अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मोहम्मद रमजान। दिस इज पार्ट 3 ऑफ ASP.NET वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज। इस सेशन में हम बात करेंगे स्टेटलेस नेचर ऑफ HTTP प्रोटोकॉल के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे हाउ ए वेब फॉर्म इज प्रोसेस्ड, व्हाट इज व्यू स्टेट, द रोल ऑफ व्यू स्टेट इन ASP.NET, प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ASP.NET सर्वर कंट्रोल्स एंड HTML कंट्रोल्स। इस सेशन में हम ये पांचों टॉपिक्स कवर करेंगे और प्रैक्टिकली एग्जांपल्स की मदद से हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। तो सबसे पहले है व्यू स्टेट। वेब एप्लीकेशंस वर्क ऑन HTTP प्रोटोकॉल। HTTP प्रोटोकॉल इज ए स्टेटलेस प्रोटोकॉल, मीनिंग इट डज नॉट रिटेन स्टेट बिटवीन यूजर रिक्वेस्ट्स। इसका क्या मतलब, इसे समझने के लिए हम प्रैक्टिकली एग्जांपल करके देखते हैं। और मैं ओपन कर लेता हूं विजुअल स्टूडियो, और इधर आने के बाद सबसे पहले ये हमारे पास एक सिंपल एप्लीकेशन है व्यू स्टेट एग्जांपल के नाम से। और इस एप्लीकेशन के अंदर मैंने एक वेब फॉर्म क्रिएट किया हुआ है जिसके ऊपर सिंपल दो कंट्रोल है, एक बटन कंट्रोल और दूसरा लेबल कंट्रोल। अब मैं इसके बैकएंड कोडिंग में जाना चाहता हूं, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और व्यू कोड पे। इधर आप देखें तो वेब फॉर्म वन जो है वो एक क्लास है, ठीक है। अब मेरे पास जो दो इधर कंट्रोल्स हैं, बटन और लेबल कंट्रोल, अब इनकी भी डिक्लेरेशन हुई हुई है। तो इनकी डिक्लेरेशन किधर हुई है, मैं इधर ओपन करता हूँ डिजाइनर फाइल और इसके अंदर देखेंगे हम जो इसका फॉर्म वन है उसको, वो भी डिक्लेयर हुआ हुआ है, और जो लेबल कंट्रोल और बटन कंट्रोल जो हैं ये सारे इधर डिक्लेयर हुए हैं। अब मैं बटन कंट्रोल पे राइट क्लिक करके इसकी गो टू डेफिनेशन करता हूँ, और इसकी जो डेफिनेशन है इसमें हम देखेंगे कि बटन जो है ये भी क्लास ही है। अब हमें इस बात से क्या पता चला कि जो हम फॉर्म यूज़ करते हैं या जो भी कंट्रोल यूज़ करते हैं वो बेसिकली क्लासेज ही हैं। अभी ये बात याद रखिएगा। और अब मैं जाता हूँ वेब फॉर्म वन की कोडिंग में। इधर हम क्या कर रहे हैं कि इधर मैंने इंट टाइप का काउंट क्लिक्स के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसे इनिशियलाइज जीरो से कर दिया है। और उसके बाद जो बटन क्लिक इवेंट है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि काउंट क्लिक्स की एक इंक्रीमेंट करते हैं और जो लेबल वन है उसे असाइन कर देते हैं। और जब पेज लोड होता है हम चेक करते हैं कि इज पोस्ट बैक। अब इस पोस्ट बैक का क्या मतलब, रिक्वेस्ट्स दो तरह की होती हैं, एक गेट रिक्वेस्ट और दूसरी पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। और जब हम कोई URL टाइप करके इंटर करते हैं तो वो हमारी गेट टाइप रिक्वेस्ट होती है, और जब हम कोई बटन प्रेस करते हैं तो इवेंट फायर होता है, तो हम अपना पेज जो है वो सर्वर की तरफ भेज रहे होते हैं, उसे कहते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट। अब इधर हम चेक कर रहे हैं कि इस पोस्ट बैक तो नहीं है रिक्वेस्ट, ठीक है। तो पहली दफ़ा जब हम पेज लोड करेंगे तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और जो हमारा लेबल है उसे ज़ीरो वैल्यू असाइन हो जाएगी, और जब बटन पे हम क्लिक करेंगे तो इसका एक इंक्रीमेंट होता जाएगा और हमें शो करवाती जाएगी एक इंक्रीमेंट के साथ। अब मैं इसे रन करके देख लेता हूँ कि क्या वाकई ऐसा ही हो रहा है जैसे हमने इधर लिखा है। तो मैं इसे रन करता हूँ और ये हमारे ब्राउज़र में लोड हो रहा है फॉर्म वन, ठीक है। और जैसे ही लोड होगा तो हम इस पे करके देखेंगे। तो अब हमारा जो फॉर्म है वो लोड हो गया है, तो मैं इस पे जब क्लिक करूँगा तो इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होनी चाहिए। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इसकी जो वैल्यू है वह इंक्रीमेंट हो गई है। अब दूसरी बार क्लिक करता हूँ तो भी इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होनी चाहिए। अब मैं दोबारा क्लिक किया तो अब नहीं हो रही। अब दोबारा करता हूँ, अब जितनी बार मर्जी करता जाऊँगा तो इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट नहीं होगी। अब इसके पीछे देखते हैं कि क्या रीज़न है। तो मैं दोबारा जाता हूँ इधर वीडियो स्टूडियो में। तो इधर हमने एक सिंपल कोड लिखा हुआ है जो कि आपका जो इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट क्यों नहीं हो रही, बिकॉज ऑफ स्टेटलेस नेचर ऑफ HTTP प्रोटोकॉल। वेब फॉर्म सर्वर के पास एक मोमेंट के लिए रहता है, उसके बाद सारा कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्या मतलब, मिसाल के तौर पर मैं ये URL कॉपी कर लेता हूँ और दोबारा इधर रिक्वेस्ट करता हूँ। अब क्या होगा, जब हम रिक्वेस्ट करेंगे तो ये गेट रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब मैं इंटर करता हूँ, वेब सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट गई गेट टाइप की। तो अभी हमने देखा था कि वेब फॉर्म और जितने भी इस पे कंट्रोल होते हैं वो क्लासेज ही हैं,
तो क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होते हैं, जबकि ये एक वेब एप्लीकेशन है तो इसकी जो जितनी भी बैकएंड कोडिंग होती है वो सारी एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है और एक DLL फाइल जनरेट होती है। अब वो DLL फाइल किधर है, मिसाल के तौर पर हमारे जो प्रोजेक्ट है इसका नेम है व्यू स्टेट एग्जाम्पल। अब मैं इसकी फाइल्स में जाता हूँ, फाइल्स एंड फोल्डर में, और इसके जो बिन डायरेक्टरी है इसके अंदर हमें इसकी जो DLL फाइल है वो मिल जाएगी। अब देखें व्यू स्टेट एग्जाम्पल डॉट DLL। अब इसमें जो है दूसरी आपको लाइब्रेरीज नज़र आ रही हैं, ये व्यू स्टूडियो ने खुद ब खुद इसमें इनेबल कर दी हैं। तो हमारी जब हम एप्लीकेशन को कंपाइल करेंगे, जब हम इसे डिप्लाई करने लगते हैं तो कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल करेंगे तो ये हमारी जो फाइल है DLL ये जनरेट हो जाएगी। तो जब हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं, जैसा कि हमने अभी रिक्वेस्ट की थी वेब फॉर्म 1 लोड किया, तो जब कोई रिक्वेस्ट जाती है तो क्या होता है, ये DLL लाइब्रेरी जो है ये सर्वर की रैम में लोड हो जाती है, और जब लोड होती है तो इसके अंदर इसका इंस्टेंस क्रिएट होता है, यानी कि वेब फॉर्म 1 का इंस्टेंस क्रिएट होता है। इसके बाद इस पे जितने भी कंट्रोल्स होते हैं सब के इंस्टेंस क्रिएट होते हैं। और जब हमने रिक्वेस्ट की तो क्या हुआ, सबसे पहले जो इसका इंस्टेंस क्रिएट हुआ और ये जो क्लिक्स काउंट वेरिएबल है इसे इनिशियलाइज 0 हो गया, और ये हमारी जो फर्स्ट टाइम थी ये गेट रिक्वेस्ट थी, और हमने इधर साथ नॉट लगाया हुआ है, पोस्ट बैक नहीं है, तो हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हुई और ये लेबल 1 का जो टेक्स्ट है उसने 0 सेट कर दिया। अब फर्स्ट टाइम जो है वह हमारे बटन की कोडिंग अभी नहीं रन होगी क्योंकि ये गेट रिक्वेस्ट थी, ठीक है, हमने अभी तक बटन पे क्लिक ही नहीं किया। तो जब फर्स्ट टाइम पेज लोड होगा तो सिर्फ ये कोड रन होगा और इसकी जो HTML है वो जनरेट होगी और HTML बैक सर्वर भेज देगा क्लाइंट को। क्लाइंट मतलब जो आप ब्राउज़र जिससे आपने रिक्वेस्ट की थी, ठीक है, और याद रहे कि जो आपका ब्राउज़र है वो सिर्फ HTML ही समझता है, ठीक है, आपका जो सर्वर है सिर्फ वो इसके पीछे जो भी लैंग्वेज चल रही हो लेकिन ये आपको HTML ही जनरेट करके वापस जो रिस्पॉन्स भेजता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि इसने हमें सिर्फ लेबल 1 की जो वैल्यू है वो 0 रिटर्न कर दी, ये कोड हमारा नहीं चलेगा। और जब ये सारी कोडिंग एक बार रन हो जाएगी, ये सारा काम हो जाएगा, तो सारा कुछ सर्वर से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जितने भी इसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए थे वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो गए। अब मैंने क्या किया कि मैंने इस बटन पे क्लिक किया तो ये पोस्ट बैक रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास। मैंने एक बार क्लिक किया तो क्या हुआ, जब क्लिक किया तो दोबारा से इस वेब फॉर्म 1 का जो है इंस्टेंस जनरेट हुआ और इंट जो टाइप का हमारा इधर काउंट क्लिक्स वेरिएबल है ये इनिशियलाइज हो गया 0 से, और ये हमारी पोस्ट बैक थी तो ये अभी रन नहीं होगा क्योंकि हमने इधर नॉट कंडीशन लगाई हुई है, तो ये आप कभी भी पहली बार तो ये रन होगा, उसके बाद कभी भी रन नहीं होगा। और जब हमने क्लिक किया तो क्या हुआ, एक इंक्रीमेंट हुआ, पहले इसकी वैल्यू जो 0 थी इसके बाद इसने क्लिक्स काउंट्स वेरिएबल में 1 का इंक्रीमेंट किया और आपके जो लेबल 1 डॉट टेक्स्ट है इसकी वैल्यू जो है 1 शो करवा देगा, और इसके बाद सर्वर क्या करेगा, इसकी HTML बना के ब्राउज़र को रिटर्न कर देगा और दोबारा से ये जो फॉर्म के इंस्टेंस बने हैं ये सारा कुछ फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर मैं फिर एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अब दोबारा क्या होगा, दोबारा से आके वेब फॉर्म 1 का इंस्टेंस जनरेट होगा और ये काउंट क्लिक्स की वैल्यू दोबारा से 0 सेलेक्ट हो जाएगी और आप फिर एक इंक्रीमेंट होगा और HTML में जो आपको रिटर्न होगी उसमें लेबल 1 की जो वैल्यू टेक्स्ट होगा वो फिर 1 नहीं होगा। इस तरह जितनी बार भी आप क्लिक करेंगे ये सेम जो प्रोसेस है ये दोबारा दोबारा होता जाएगा, ठीक है। तो वेब सर्वर रिक्वेस्ट की स्टेट को रिमेंबर नहीं रखता, जितनी बार भी आपके पास कोई नई रिक्वेस्ट आती है वो इंस्टेंस क्रिएट होता है और उसके बाद सारा कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वेब सर्वर को इस काबिल बनाने के लिए कि वो रिक्वेस्ट जो हैं उनको रिमेंबर रखे, तो हम हमारे पास एक फील्ड है व्यू स्टेट, हम व्यू स्टेट को यूज़ करेंगे और अपने जो वेब सर्वर है उसको इस काबिल बना देंगे कि वो जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी उन्हें रिमेंबर रखे। तो वेब फॉर्म्स लिव फॉर बैरली ए मोमेंट
when a request is received. An instance of the requested web form is created, events processed, generates the HTML and posted to the client. The web form is immediately destroyed. ठीक है, तो इसके लिए व्यू स्टेट को हम यूज़ करेंगे. तो व्यू स्टेट के लिए सिंपल मैंने एक जो वेरिएबल यूज़ किया हुआ है माय क्लिक्स काउंट. ठीक है, तो मैं दोबारा जाता हूँ विजुअल स्टूडियो में. इसकी कोडिंग मैंने पहले ही की हुई है. तो ये देखें, हमारे पास उसी तरह का एक पेज है, इस पर थोड़ी सी चेंजिंग की हुई है. ठीक है, व्यू स्टेट को यूज़ किया हुआ है. इधर हम क्या कर रहे हैं कि एक इन टाइप का वैसा ही हमने वेरिएबल लिया है काउंट्स क्लिक्स और वन से इनिशियलाइज करवा दिया है. और फर्स्ट टाइम जब पेज लोड होगा तो ये जो पीस ऑफ कोड है ये रन होगा और जो लेबल वन डॉट टेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी उसे ज़ीरो से इनिशियलाइज करवा देगा. ठीक है, और फर्स्ट टाइम जो हमारा ये वाला कोड है बटन क्लिक वाला ये रन नहीं होगा. ठीक है, और मैं इसे रन करके देख लेता हूँ. और किसी भी पेज को डायरेक्टली रन करना हो तो उस पर राइट क्लिक करके व्यू इन ब्राउज़र कर देंगे तो भी ये रन हो जाएगा. ठीक है, या अगर आप इधर सिंपल इसे कॉल करना चाहते हैं तो वेब फॉर्म टू कर देंगे. ठीक है, अब इसे इंटर करेंगे तो भी ये टू वेब फॉर्म टू जो है वो लोड हो गया है. ठीक है, अब इसमें क्या है, जब ये फर्स्ट टाइम लोड हुआ तो इसमें ये वाला पीस ऑफ कोड रन हुआ और इसने जो लेबल वन डॉट टेक्स्ट है इसकी वैल्यू जो ज़ीरो सेट कर दी है. ठीक है, और इसके बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसकी वैल्यू वन हो गई. अब दोबारा क्या हुआ, जब मैंने इस पर क्लिक किया तो दोबारा वेब फॉर्म टू का जो इंस्टेंस है वो क्रिएट हुआ. काउंट क्लिक्स जो है वो वन से इनिशियलाइज हुआ और ये वाला पीस अब नहीं चलेगा. ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब आए हम बटन क्लिक पे तो चेक हुआ व्यू स्टेट और ये वेरिएबल का नेम है माई क्लिक्स काउंट. ये जो पीस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने इसमें अब वैल्यू अपनी स्टोर करवा लेनी है. ठीक है, ये जो वेरिएबल होगा हमारा माई क्लिक्स काउंट, इसे यूज़ करते हुए व्यू स्टेट को यूज़ करते हुए हम अपनी वैल्यू सर्वर तक दोबारा भेजा करेंगे. वो अभी देखते हैं कि अब ये व्यू स्टेट काम कैसे करेगा. ठीक है, फर्स्ट टाइम जब हम चेक करेंगे कि ये वेरिएबल में कोई वैल्यू है, अभी तक कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि पहली बार हमने यूज़ किया. तो पहली बार जब हम इस पर क्लिक करेंगे बटन वन पे तो कोई ये इतना पीस ऑफ कोड नहीं रन होगा. उसके बाद क्या होगा कि काउंट क्लिक्स डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, यानी कि इसकी वैल्यू वन है, ये टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ और लेबल वन की जो वैल्यू है उसने उसे इनिशियलाइज करवा दिया. इसके बाद जो इम्पोर्टेंट काम इधर हो रहा है वो ये है कि व्यू स्टेट और इस वेरिएबल के अंदर हम जो क्लिक्स काउंट की वैल्यू है वो स्टोर करवा रहे हैं. ठीक है, अब व्यू स्टेट की जो वैल्यू है वो जब हम रिक्वेस्ट करेंगे पोस्ट बैक करेंगे तो ये सर्वर तक दोबारा जाएगी. अब देखते हैं ये कैसे जाएगी. मिसाल के तौर पर अब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखें इसमें इंक्रीमेंट हो गया, तो ये इसमें जो वैल्यू थी वो सर्वर तक गई है. तो सर्वर तक कैसे गई है, इसमें हिडन वेरिएबल इसने यूज़ किया है, हिडन फील्ड है एक. इधर देखेंगे आप तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन, नेम इज इक्वल टू अंडरस्कोर व्यू स्टेट. अब इस व्यू स्टेट की वैल्यू क्या है, जो इसमें हमने वैल्यू स्टोर करवाई है उसने बेस 64 में इसे कन्वर्ट किया है और ये जब हम पोस्ट बैक रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर की तरफ तो ये वैल्यू 7 पोस्ट होगी. ठीक है, और जब ये वैल्यू 7 पोस्ट होगी तो दोबारा क्या होगा, दोबारा से जब इंस्टेंस बनेगा इस वेब फॉर्म 2 का और ये सारा कुछ काउंट की वैल्यू 1 इनिशियलाइज हो जाएगी और जब इधर आएगा तो व्यू स्टेट की जो वैल्यू हमने 7 पोस्ट की है वो इधर इनिशियलाइज हो जाएगी. अब इसकी वैल्यू जो हमने इधर इसमें स्टोर करवाई थी जब पहली दफ़ा हमने क्लिक किया था तो 1 थी. ठीक है, और जब हमने वापस इसे रिक्वेस्ट किया दूसरी बार क्लिक किया तो 1 वैल्यू वो इसकी 7 आई है. ठीक है, अब ये क्या होगा कि जो पहले हमने इसे वैल्यू भेजी है वो 1 है और उसे इंट में कन्वर्ट कर रहा है,
इंट में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि व्यू स्टेट किसी भी तरह का वेरिएबल स्टोर कर सकता है, ठीक है, स्ट्रिंग इंट चार किसी तरह का भी वैल्यू ये ना स्टोर कर सकता है। और जब हमने वैल्यू भेजी इधर, हमने इसे पहले कन्वर्ट किया और एक का इंक्रीमेंट कर दिया, अब क्लिक्स काउंट की वैल्यू क्या हो गई, टू हो गई, ठीक है। अब टू जो वैल्यू है वो दोबारा इसे इनिशियलाइज हुई, यानी कि लेबल वन को। और अब फिर हमने क्या किया कि माई क्लिक्स काउंट की जो वैल्यू है दोबारा जो टू है वो दोबारा असाइन कर दी इसे, ठीक है। अब जब फिर रिक्वेस्ट आएगी दोबारा से ये कन्वर्ट होगा, और जब इसे एक्सेस करेगा व्यू स्टेट डॉट माई क्लिक्स काउंट को, तो इसकी वैल्यू पहले से टू होगी, और इसमें एक का इंक्रीमेंट करेंगे तो अब इसकी वैल्यू काउंट्स क्लिक्स की तीन हो जाएगी। इस तरह से हम जितनी बार भी इसे बटन को क्लिक करते जाएंगे तो इसकी वैल्यू प्रॉपरली इंक्रीमेंट होती जाएगी। अब ये देखें जितनी बार भी क्लिक करेंगे तो हम इसकी जो वैल्यू है वो साथ भेज रहे हैं, ये देखें व्यू स्टेट की वैल्यू सर्वर को साथ भेज रहे हैं, तो वो रिक्वेस्ट की जो स्टेट है उसे रिमेम्बर रखता है। तो इस तरह से हम वेब सर्वर को इस काबिल बना सकते हैं कि वो रिक्वेस्ट्स के बिटवीन स्टेट को रिमेम्बर रखे। तो अब हमने देखा कि अब हमारी जो वैल्यूज थी वो इंक्रीमेंट हो रही थी। इट इज़ पॉसिबल बिकॉज वी आर यूजिंग द व्यू स्टेट वेरिएबल, ठीक है, माई क्लिक काउंट्स टू प्रिजर्व द डेटा बिटवीन रिक्वेस्ट्स। द व्यू स्टेट डेटा ट्रेवल्स विद एवरी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, ठीक है। तो अभी हमने इसका प्रैक्टिकली करके देखा कि डेटा जो है हमारा ट्रेवल कैसे करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसमें हमने थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है, ठीक है, इसमें हम व्यू स्टेट को यूज़ नहीं कर रहे। अब दोबारा चलता हूँ मैं व्यू स्टूडियो में, इधर देखें तो मेरे पास वेब फॉर्म थ्री है, इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि लेबल वन का जो टेक्स्ट है वो ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। जो ऊपर हमने एक वेरिएबल लिया हुआ था वो मैंने ख़त्म कर दिया है, और इसमें ये वही कोड है कि अगर पोस्ट बैक नहीं होगा तो वो हमारी जो लेबल की वैल्यू है वो ज़ीरो सेट कर देगा, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि जो लेबल वन की वैल्यू है वो गेट कर रहा हूँ, उसे कन्वर्ट करता हूँ इंट 32 में, और उसके बाद इसको इंक्रीमेंट कर देता हूँ, और जो रो काउंट होती है उसको दोबारा से मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके कर देता हूँ लेबल वन का जो टेक्स्ट है। और जब दूसरी बार फिर क्लिक करेंगे बटन पे तो फिर क्या होगा, फिर जो इसकी लेबल की वैल्यू होगी वो गेट होगी, और इसमें एक का इंक्रीमेंट होगा, और इसके बाद फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसको फिर लेबल वन का जो टेक्स्ट है वो शो करवा देंगे। अब इस पर मैं इसे रन करके देखता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये वही एग्जांपल है बिल्कुल सेम। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये हमारी प्रॉपरली वर्क कर रही है। अब ये क्यों हो रहा है, ये लेबल वन की जो वैल्यू है ये कैसे जब हम पोस्ट बैक करते हैं तो कैसे महफूज रहती है, तो जितने भी ASP.NET सर्वर कंट्रोल्स हैं वो व्यू स्टेट को यूज़ करते हैं डेटा को प्रिजर्व करने के लिए ड्यूरिंग पोस्ट बैक। तो ये ASP.NET सर्वर कंट्रोल्स का एक बेनिफिट है कि हमें ये व्यू स्टेट बैकएंड पे खुद ही यूज़ करते रहते हैं, हमें अलहदा से कोई वेरिएबल डिक्लेयर करके इसकी वैल्यूज़ को प्रिजर्व नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो अगर अब मैं राइट क्लिक करके इस पेज के व्यू सोर्स में जाता हूँ तो आप इधर देखेंगे कि व्यू स्टेट को उसने हिडन फील्ड व्यू स्टेट को यूज़ किया हुआ है, और इसकी जो बेस 64 में इनकोडेड वैल्यूज़ हैं वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से सर्वर कंट्रोल का ये बेनिफिट है। अपॉन क्लिकिंग द बटन द वैल्यू गेट्स इंक्रीमेंटेड करेक्टली एज एक्सपेक्टेड। दिस इज पॉसिबल बिकॉज लेबल वन इज एन ASP.NET सर्वर कंट्रोल दैट यूजेस व्यू स्टेट इंटरनली टू प्रिजर्व द डेटा अक्रॉस पोस्ट बैक। अभी हमने देखा कि वो कैसे व्यू स्टेट को यूज कर रहा था। Because web forms have very short lifetime, ASP.NET takes special steps to preserve the data entered in the controls on the web form.
ठीक है, डेटा इंटर्स इन कंट्रोल्स इज सेंड विद ईच रिक्वेस्टेड एंड रिस्टोर्ड टू कंट्रोल्स इन पेज इनिशियलाइज। अब ये पेज इनिशियलाइज क्या है, जब हम पेज लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो इसको डिटेल से देखेंगे। ठीक है, द डेटा इन दीज कंट्रोल्स इज देन अवेलेबल इन द पेज लोड बटन क्लिक एंड मैनी मोर इवेंट्स दैट अकर आफ्टर पेज इनिशियलाइजेशन इवेंट। और अब हम आखिर पे देखते हैं ASP.NET सर्वर कंट्रोल्स एंड HTML कंट्रोल, इनमें क्या डिफरेंस है। ASP.NET सर्वर कंट्रोल्स रिटेन स्टेट, HTML कंट्रोल्स डू नॉट रिटेन स्टेट अक्रॉस पोस्ट बैग्स। इसका क्या मतलब है, इसके भी प्रैक्टिकली एग्जांपल देखते हैं। मैं जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में, इसके लिए भी मैंने एक वेब फॉर्म रेडी किया हुआ है। इस पे देखें तो सिंपल, मैंने ये जो है ये ASP.NET टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल है, ठीक है, और ये वाला जो है ये सिंपल HTML कंट्रोल है। तो ये मैंने कहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, अगर आप इधर जाएंगे कंट्रोल टूल बॉक्स में तो ये देखें आपको इधर स्टैंडर्ड जो ASP.NET कंट्रोल्स हैं वो मिल जाएंगे। अब इसे मैं क्लोज करता हूँ और अब नीचे जाता हूँ तो इधर मुझे HTML के जो कंट्रोल्स हैं वो सिंपल कंट्रोल मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने इधर सिंपल किया हुआ है इनपुट टेक्स्ट, ठीक है, तो मैंने इधर ड्रैग एंड ड्रॉप किया हुआ है। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ और इसमें डिफरेंस देखते हैं क्या है। ठीक है, तो मैं इसे इसमें टाइप कर देता हूँ टेस्ट, ठीक है, और इसमें भी मैं टेस्ट टाइप कर देता हूँ। अब मैं बटन पर क्लिक करता हूँ, ये बटन पर अभी कोई कोडिंग नहीं की हुई, सिंपल पोस्ट बैक ही हो रहा है। तो आपने देखा जो ASP.NET सर्वर कंट्रोल है इसने अपनी स्टेट रिटेन की है, और जो HTML का सिंपल था हमारा कंट्रोल, इसकी जो वैल्यू है वो लॉस्ट हो चुकी है। ठीक है, तो अब क्या हम जो HTML के सिंपल टैग्स हैं इनको सर्वर कंट्रोल बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। वो कैसे, इसके लिए एक टैग है रन एट, ठीक है, और इसे वैल्यू दे देनी है सर्वर। ऐसा करने से हमारा जो सिंपल HTML टैग है वो सर्वर कंट्रोल बन जाएगा। तो मैं इधर जाता हूँ विजुअल स्टूडियो में, इसके जो सोर्स कोड है इधर देखते हैं तो ये देखें ASP.NET जो का सिंपल ASP.NET सर्वर कंट्रोल है वो ये है टेक्स्ट बॉक्स, और इसका एक टैग है रन एट सर्वर, ठीक है। और जो हमारा HTML का टैग है इसमें ये देखें सिंपल इनपुट ID टेक्स्ट 1 और टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट है। अब अगर मैं इसे भी कर देता हूँ रन एट, और इसकी जो मैं प्रॉपर्टी है सर्वर, अब इसे दोबारा से रन करके देखता हूं तो अब देखेंगे क्या होता है। और ये मेरा वेब फॉर्म जो है वो लोड हो चुका है। अब मैं दोबारा टेस्ट इंटर करता हूं, और अब जब मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो ये जो स्टेट है दोनों कंट्रोल्स वो हैं रिटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जो अपना कंट्रोल है यानी कि सिंपल HTML कंट्रोल, उसे ASP.NET सर्वर कंट्रोल बना सकते हैं। ठीक है, तो एन HTML कंट्रोल कैन बी कन्वर्टेड इन ASP.NET सर्वर कंट्रोल बाय एडिंग रन एट सर्वर, ठीक है, एट्रीब्यूट इन द HTML सोर्स कोड एज शोन बिलो। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। व्यू स्टेट डेटा इज सीरियलाइज्ड इनटू बेस 64 इनकोडेड स्ट्रिंग एंड इट स्टोर्ड इन हिडन इनपुट फील्ड। ठीक है, जैसे हमने वो प्रैक्टिकली एग्जांपल भी करके देखी, सोर्स में जाके देखा कि इस तरह इसे इनकोड कर देता है और फिर ये ट्रेवल करता है टूवर्ड्स आपके जो सर्वर है उस तरफ। ठीक है, तो इस तरह आप देखेंगे तो व्यू स्टेट हिडन फील्ड है। ठीक है, तो इस तरह ये यूज़ करता है। तो आज तक के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।